चंद्रवती फिल्म मुंबई और डीएमआर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। 12 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा ज्ञान की देवी मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। चंद्रवती फिल्म्स मुंबई और डीएमआर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में 15वें अभिनंदन सम्मान समारोह का भव्य आयोजन डीएमआर हॉस्पिटल सभागार में हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को अभिनंदन समारोह में स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। यूपीएससी परीक्षा में सफल 7 और पीसीएस परीक्षा में 5 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ इनके परिजनों को भी अभिनंदन समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह और संचालन संजीव आकांक्षी ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह, सेक्रेटरी उपराज्यपाल दिल्ली ने सभी अतिथियों को बधाई देते हुए कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता अर्जित करना बड़ी बात है। आप लोगों ने अपने अथक प्रयास और परिश्रम से जो कामयाबी हासिल की है वो अनुकरणीय है, क्योंकि आईएएस बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसी सफलता सबके नसीब में नहीं होती। यह आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम है जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। साथ ही कार्यक्रम को सीनियर डीएमओ रेलवे मुरादाबाद डॉ. सुषमा राठी, राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग फेडरेशन अनिल कुमार सिंह, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर रीवा मध्य प्रदेश आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीश राठी, डीएमआर हॉस्पिटल का चेयरमैन। आज का जो हमारा कार्यक्रम था अभिनंदन समारोह, उसमें हमने जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, जो पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, उनका सम्मान किया है, ताकि समाज में भरोसा रहे, समाज में ये रहे कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान हो और वो आगे बढ़े। धन्यवाद। करीबन 12 बच्चों का सम्मान हमने किया है। इसमें उद्देश्य यह है कि जो नए बच्चे जो इस कार्यक्रम में आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, जो बाकी लोग युवा देख रहे हैं, वो प्रेरित हों कि वो भी अच्छा एग्ज़ाम, जैसे आपने देखा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आए हैं, जिनके घर में बिजली भी नहीं थी, वो आईएएस बने हैं, तो ताकि लोग संदेश जाए अगर हम मेहनत करेंगे, नीयत से साफ रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा, जीवन में सरल रहें, मधुरभाषी रहें, मेहनती रहें और अपनी नीयत से बढ़िया नीयत से काम करें। जब भी हाँ, ये पिछले 8 साल से लगातार हो रहा है और हम लगातार करते रहेंगे इसको।